जी मैडम, मैडम आज आईटी की मीटिंग में पीटीसीएल के फिर पेंशनर्स वगैरह आए हुए थे। पिछली मीटिंग में भी थे और गालिबन अब जो परसों हो रही है मीटिंग उसमें भी वो यकीनन आएंगे। उनका पेंशन का मसला बहुत बड़ा है और आज तो वो बेचारे रो पड़े बाहर बात करते हुए। उन्होंने कहा जी कि हम आर्मी चीफ और वजीर आजम से अपील करते हैं कि हमारे इस मसले में हमारी मदद फरमाएं। आज कमेटी में क्या मामलात हुए और आप क्या समझते हैं? आप आज की कमेटी में मैं देख रही थी कि आपने बड़ी तफसील के साथ बहुत सारी चीजें बयान की, तो आप उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि शायद जी जी मिनिस्टर को और सेक्रेटरीज उनको हमारा मैसेज अक्रॉस नहीं हो रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या हमारे पास हम किस हद तक हमने डिटेल्स फाइंड किए हैं। तो फिर मैंने आज ये किया कि उनके दो खत आए हुए थे कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो मैंने उन दोनों खत का उनको कहा कि आपको असेस करने के लिए नहीं दिया था हमने, हमने आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया था, क्योंकि ये पूरे हाउस की यूनानिमस है और इसमें जितने भी लीडर ऑफ द हाउस थे, दो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, उन सब ने इसको सपोर्ट किया था मुख्तलिफ औकात में। अच्छा, फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि हमने क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, और उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट होना जरूरी था जो आप नहीं कर रहे हैं। जी, आप बात कर रही हैं। एनी क्वेश्चन आप पूछिए, आप तो थी वहां अच्छा, पूरे आज पूरे आज वक्त आ आई चुके सी। आ चुके जी जी मैं पूरी कमेटी में वहां पे मौजूद थी, और चूंकि आपने भी मतलब है कि आप और सेनेटर रहमान मलिक साहब काफी इसमें एक्टिव नजर आए, और सेनेटर सैफ भी माशाल्लाह वो आपको कानूनी रास्ते भी बताते रहे। आप क्या समझती हैं कि इस मसले का फाइनली क्या हल होगा, क्योंकि लोग तो परेशान हैं पीटीसीआर के। देखिए, इस मसले का हल जो है वो हमारा जो एक और बात भी जी कहनी थी, वो ये कि जी आज बोर्ड मीटिंग, बोर्ड के जो मेंबरान थे उनको चेयरपर्सन साहिबा ने बुलाया था, रबीना खालिद साहिबा ने, वो भी नहीं आए हुए थे। देखिए, पीटी ईटी ट्रस्ट जो है वो कायम जी किया गया था पीटीसीएल एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करने के लिए, जी जी लेकिन वो फैसिलिटेट कर रहा है पीटीसीएल को। ठीक हो गया, ठीक है, ये ठीक हो हमारे ये गया फाइंडिंग है। जी और जी बोर्ड चेयरपर्सन ने, रुबीना खालिद साहब ने, जो ट्रस्टीज थे जी उन जी कहा कहा था कि सब ट्रस्टीज को बुलाइए आप, ठीक हो तो गया सब ट्रस्टीज के बदले वहां से एक भी ट्रस्टी नहीं आया। गवर्नमेंट के ट्रस्टी तीन थे लेकिन पीटीसीएल का कोई ट्रस्टी नहीं आया। उस पर चेयरपर्सन ने बहुत इसका सख्त नोटिस लिया जी और जी उन्हें दूसरी मीटिंग अब कॉल हुई है। हम एक बड़ी अच्छी आज खुशाइन बात यह हुई कि मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने पूरी तरह ये रिटेलिएट किया कि वो अवाम के साथ खड़े हैं, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं जी जी और वो जानते हैं कि कैबिनेट का डिसीजन क्या होता है, क्योंकि ये कैबिनेट का डिसीजन के खिलाफ वर्जी हो रही है पूरी, राइट और जी कैबिनेट का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन होता है। ठीक बात है और ये जितने इदारे प्राइवेटाइज हुए थे उस वक्त प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत, जिसमें एनटीसी भी शामिल है, पीटीए भी शामिल है, वो सब अपने अपने काम पूरे रूल्स के हिसाब से, उन्होंने किसी को वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम में नहीं भेजा, उन्होंने सेम पेंशन दे रहे हैं, उनके यहां से किसी को निकाला नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीटीईटी एक अजीब तरह से काम कर रहा है जी एंड जी नॉट फॉलोइंग मैडम, मैं द आखिर में फिर यही पूछूंगी कि आखिर फाइनल इस मसले का हल क्या इस होगा। मसले का हल ये है कि जिसका हक है उसको दे दिया जाए फौरन। जी और जी इसमें 45,000 के करीब लोग हैं, बेवाएं हैं, दस बहुत हजार बेवा खवातीन है हजार उसमें। बेवा खवातीन है, जी बहुत जी बहुत ये इम्पोर्टेंट मसला है। और अब हम पेंशन का मसला मैं उठा रही हूँ बार बार, तो मुझे और भी इदारों के आ रहे हैं जी कि वहां जी भी पेंशन नहीं हो रही, वहां भी नहीं हो रही। समथिंग हैज टू बी डन एमरजेंट बेसिस के ऊपर कि वो पेंशन का मसले को हल किया जाए। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी एक मसला है बहुत ठीक हो ज्यादा। गया, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अप्रिशिएट कि आपने बहुत